बज गया बिगुल बिच गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका किसकी होगी मात। आप देखेंगे झारखंड विधानसभा से जुड़ी हर चर्चा और नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। अशफाक उल्ला खान का 92वां शहादत दिवस बिस्मिल चौक गिरिडीह में मनाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ज्योतिन्द्र प्रसाद उपस्थित हुए। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड विकास अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष साबिर अहमद खान एवं सदस्यों के द्वारा किया गया। इस दौरान अशफाक उल्ला खान के चित्र पर उपस्थित लोगों ने माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। मौके पर वक्ताओं में शहीद अशफाक उल्ला के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 22 अक्टूबर 1900 में इस क्रांतिकारी का जन्म शाहजहानपुर यूपी में हुआ था। मैं 27 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इस मौके पर उपस्थित अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कांत, परमजीत सिंह, मुन्ना अलाउद्दीन सिद्दीकी, सतीश कुंदन, सिकंदर खान, तैयब खान, मोहम्मद रिजवी, मोहम्मद समीमुल हक आदि मौजूद। अपनी तरफ से खराज हकीकत पेश करता हूं। हमारे तरफ से, यहां के आवाम की तरफ से, पार्टी की तरफ से, उसने कहा था कुछ आर क्यों नहीं है, आप यहां कुछ आर क्यों नहीं है, बस आर क्यों है रखे जरा से कोई खाके वतन कफन में। ये उनका आखिरी अल्फाज था। साथियों, हम तो भारत सरकार से मांग करते हैं कि शहीद अशोक था राम प्रसाद बिश्वी के नाम पर डाक टिकट जारी हो, तब के लगे चुके ये दोनों क्रांतिकारी ने, बल्कि एक उनकी जारी के अनुसार ये दोनों गहरे दोस्त थे और उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दिए। हमेशा उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम दिया और हमेशा जब भी कभी हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस हुआ, कांग्रेस में डिस्टर्बेंस हुआ, उन्होंने इसलिए हमारी ये मांग पूरी करते हैं कि भारत सरकार सुन में दोनों के नाम से डाक टिकट जारी हो, ताकि लोगों के जन्म जाने का ये क्रांतिकारी क्रांतिकारी नहीं थे बल्कि एक अच्छे दोस्त थे और इन्होंने तो टेस्ट किया। और मैं बताना चाहता हूं कि हर वक्त हर समय हमारे ये जो क्रांतिकारी थे देश के अलग देश हमी से उन्होंने पाकिस्तान का कमर तोड़ कर रख दिया था। और आप जानते हैं कि 27 साल की उम्र में उन्हें 27 में ये शहीद अकोलो खान ने अपनी फौजों की नमाज के बाद इस तरह से कुर्बान कपल लगा जैसे मानो कि वो किसी सिंहासन पर बैठा हो। और मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि वक्त की कमी है। और इसके साथ से मैं दोबारा अपनी तरफ से मैं शहीद अशफाक उल्ला को राम प्रसाद बिश्वी शहादत